छतरपुर जिले में विगत 9 दिनों से जारी वन रक्षकों की काम बंद हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। इस दौरान 13 कर्मचारियों पर सस्पेंशन की कार्यवाही की गई। डीएफओ अनुराग कुमार ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर वन रक्षक हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल के दौरान हमारे द्वारा हड़ताली कर्मियों से लगातार बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है और पुनः सभी को संयुक्त प्रयास से हड़ताली वन कर्मी पुनः काम पर वापस लौटे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमारे बीच के लोगों द्वारा वन कर्मियों को उकसाया गया है, अपने निजी स्वार्थ की खातिर ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और आगामी दिनों में उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बहरहाल वन कर्मियों के हड़ताल से वापस आने के बाद डीएफओ अनुराग कुमार काफ़ी खुश नजर आए। छतरपुर से जेएन द्विवेदी की रिपोर्ट। इंक्लूडिंग सारे वन रक्षक, वनपाल और रेंज अफसर सारे हड़ताल से वापस आ गए। हड़ताल नहीं था, अस्वीकृत अवकाश कह लें उसे, क्योंकि वो हड़ताल के श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन वो अपने क्या सर तो उन्होंने था ज्वाइन कर लिया वापस। सर इनको भड़काया गया था या कुछ है, मतलब इसके पीछे कौन था? नहीं, अब हमने तो समय समय पे बात करने का प्रयास किया, पूरा उन तक मैसेज भी पहुँचवाया कि आके बात करें। मैंने प्रयास किया, मुख्यमंत्री संरक्षक महोदय सीसीएफ साहब उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, रेंज अफसरों को भी बुला के इस बारे में बहुत बार चर्चा की, लेकिन मेरे को लगता है ऐसा कि जो हम लोग की बातें थी वो नीचे तक नहीं पहुँचाई गई जी, और वन रक्षकों को इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई कि उन्हें हमसे बात करनी चाहिए। तो कितने लोगों पर कार्रवाई की गई इसमें? इसमें 13 लोगों पर कार्रवाई की गई है। क्या सस्पेंड किए गए? सस्पेंशन हुआ है उनका। इसके पीछे कौन लोग थे, क्या है? नहीं, इसके पीछे इन लोग का तो यही कहना है कि हमारे कुछ बीच के लोग हैं जो जिन्होंने बरगलाया, भड़काया और अपना उल्लू सीधा किया, जिसे कह सकते हैं कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ थे। मैंने भी इसके बारे में यही कहा कि भाई जब अगर आप उनके कहने पे आपने अपना बुरा किया तो अब अपना जो आपका बुरा हुआ उसको ठीक भी करवा लो उन्हीं से। हालांकि मैं मजाक में ऐसी बात बोल रहा हूँ, लेकिन लेकिन जो बातें हमारे सामने आई वो यही बात सामने आई कि कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए वन रक्षकों को भड़काया और ऐसा एक इस तरह का एक आंदोलन जैसा खड़ा किया। अब सर क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके पीछे सर ये क्या कौन से आए, नाम निकल का है, कौन था इसके पीछे? नहीं, इसके पीछे कुछ संघ के लोग हैं, मैं उसको नाम पर्टिकुलरली क्योंकि सब ओपन ही हो चुका है, आप लोग भी जानते हैं कि कौन लोग कौन था। मैं पर्टिकुलरली इस समय नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो है अपने ही बीच के लोग और उनके कुछ व्यक्तिगत हित थे, व्यक्तिगत स्वार्थ थे, इनकी पूर्ति होती है यदि मैं यहाँ पे ना रहता। क्या सर उन पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी क्या? हाँ जी, जो लोग थे इनके पीछे उन पर कार्रवाई की जाएगी क्या? देखिए नियमानुसार, देखिए अनुशासनहीनता गलत बात है और इस अवधि में अनुशासनहीनता की गई है, तो नियमानुसार जो भी होगा उस कार्रवाई की जाएगी। सर कितने महीने हड़ताल पर गए थे, कितना समय लगा कम से कम? लगभग 10 दिन तक हड़ताल पर है, 9 दिन रहे, 9 दिन तक हड़ताल पर रहे।